इनको वीडियो करनी है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी कोटसी तो लाइव हो जी, साढ़े को बीबी मनीषा मेहता जी निमिषा मेहता जी बुलारा कांग्रेस आई साढ़े को आए हैं कोटसी मेले के आओ इन्होंने गलबात करिए। बीबी जी जो साढ़े चार साल कैप्टन डे ठीक रहे क्या चन्नी साहब का एक महीना ठीक रहा? कांग्रेस का सारा समा वधिया ठीक है जी, जिन्ना चिर कांग्रेस का राज है वह वधिया ही चल रहा है। जिदन तो कांग्रेस पार्टी सत्ता च आई है वधिया काम कर रही है। 500 रुपए से पेंशन छड़ के गए सी बादल, आंदियां सी 750 की थी, अज वो 1500 है। जिहड़ी शगन स्कीम है ये 15,000 से छड़ के गए सीगे, आंदे असी 21,000 की, अज वो 51,000 मिलती पई है। इदा मैं तुहानू 10 चीज़ां दस सकदी। पहले दिन तो कर्जे माफ़ी का काम चल रहा है, पिंड पिंड किसानों की कर्जा माफ़ी, बेजमीने लोगों की कर्जा माफ़ी कम चली जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी समुंदर पार्टी है और अज जिहड़ा कांग्रेस पार्टी ने साडे मुख्यमंत्री एक गरीब परिवार तो चले हुए बंदे नूं जिहड़ा मुख्यमंत्री बनाया है, अज वो जिहो जे काम कर रहे ने उहदे नाल अज पंजाब दा हर मिडल क्लास हर गरीब बंदा ये सोच रहा है कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ। अज सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी नहीं ने मुख्यमंत्री, अज पंजाब दा हर मिडल क्लास और हर गरीब बंदा हर साधारण बंदा हर आम बंदा जिहड़ा है वह अपने आप नूं मुख्यमंत्री महसूस कर। जिस तरह चन्नी साहब मुख्यमंत्री साहब धड़ा धड़ ऐलान कर रहे स्कीम का की इन्हां ते अमल हो जू हुण? बिल्कुल हो रहा है, तुसीं देखो दिवाली वाले दिन चन्नी साहब आप जाके गरीबां दे घर च दीवा बाल के उन्होंने रजिस्ट्रियां दे के आए हैं। हर गल ते अमल हो रहा है, डीजल पेट्रोल का रेट क्या नाल राती 12 बजे रेट घटाए ने उन्होंने, जो काम कहे वो हो रहे हैं और सारे होणगे। कांग्रेस पार्टी उन्हां विचों नहीं है। बादल साहब 2007 च आए कहिंदे असीं 500 रुपया पेंशन करनी है, 2007 तो 12 तक 200 रुपया पेंशन दिंदे रहे, फिर 12 च इलैक्शन आया कहिंदे असीं 500 रुपया पेंशन देंगे, 9 साल 10 महीने लग गए इन्हां नूं 500 रुपया पेंशन करदिआं। असीं आंदे आ पेंशन जिहड़ी 500 तो 750 और उत्तों 3 गुणा 1500 रुपया अज लोकां नूं मिल रहा है। हाँ मिल रहा जी, तो मिल रहा, ये फर्क है साडा ते उहनां दी पार्टी दा। अच्छा जिस तरह जो मुख्यमंत्री बादल साहब बने थे उन्होंने भी इल्जाम लगा था कि तुम एस सी विद्यार्थियों के वजीफे खा गए, हम सब संघ धर्म सो उत्ते भी लगे आ, ये की गल है? गरीबों का वजीफा छकया जाता है, की गल की सच्चाई है? देखो यदि सच्चाई तो थोड़ा मिनिस्टर बयान कर सकते जेडे महकमे के हाकम रहे हैं। मैं तो एक कांग्रेस पार्टी की जी अदनी जी वर्कर हाँ और कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हाँ और ये बारे मैं ये कहूँगी कि साड़ी सरकार ने बकायदा धर्म सोत साहब की जी तफ्तीश की जा रही है, वो इनकुआरी हो रही है, अगर कोई दोषी पाया जाता है ये मैं थोड़ा विश्वास न कह सकती हाँ कि वह बंदा बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है कि आज जी कोटसी तो गढ़छकुड़ नहर जाती है, ये हालत तो बहुत खराब हुई होगा, ये भी कोई सुधार हो रहा कि नहीं? बिल्कुल, तुम साढ़े गढ़ शंकर के कोल आके देखो और यदि बकायदा रिपेयर चल रही है, यदा काम चल रहा है और सरदार सुखविंदर सिंह सरकारिया साहब बहुत वधिया तरीके नाल नहरां दा काम करा रहे हैं। और तुसी देखो कि 900 करोड़ का कपला अकालिया ने अकालिया के राज दे विच जिहड़ा साड़ी कंडी नहर दे विच होया और अज इन्हां दे कसूर करके साडे जिमीदार जिहड़े गढ़शंकर दे और कंडी दे वह सफ़र कर रहे हैं, वह उन्हां नूं दुख झेलना पै रहा, अज उन्हां नूं पानी नहीं मिल सकिया और जदों मोगे देने सीगे इन्हां ने अकालिया नूं मोगे दिते, कांग्रसियां नूं और बाकियां नूं मोगे नहीं दिते, उस नहर चों हले तक पानी नहीं आया, 900 करोड़ का घोटाला किया, फिर जाके हाई कोर्ट च केस फसाता और अज भी साड़ी सरकार जिहड़ी है तत्पर है और पिछों नहर की रिपेयर जिहड़ी ऑलरेडी चल रही है और ये नहर चलेगी। ठीक है लास्ट गल जी, अगे भी थानू टिकट मिलता रह गया की ऐतकी कुआस है? बिल्कुल नेड़े चल गए टिकट दे, मैनूं पूरी उम्मीद है कि मेरी पार्टी जिहड़ी है और मैनूं विश्वास है मेरी मेहनत नूं जिहड़ा रेकोगनाइज करके मेरी पार्टी मेरे सिर ते हाथ रखेगी और पूरन तौर ते जिहड़ा लोकां दा विश्वास है इस वेले मेरे विच है और मेरी पार्टी मेरी मेहनत नूं जिहड़ा देखदे होए मैनूं जरूर नवाजेगी। मैं तो तुसीं वाकई करदे जरूर, ये तो सारी हर पार्टी दे जवान ते ना हैगा तुहाडा, मेहनत तुसीं जरूर करदे आ इहदे तां कोई शक नहीं, बाकी लीडरां दे देखो की करदे ने। मैनूं पूरन विश्वास है जी अपनी पार्टी दा। थैंक यू, थैंक यू।